हेलो फ्रेंड्स, मालवा recipes.com में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो भी बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आज हम बनाने वाले हैं 1 लीटर दूध से मलाई भी निकाल लेंगे और वो टेस्टी रेसिपी भी बना लेंगे। तो मैं टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसे गर्म कर लिया है और मैं अब आपको दिखा रही हूँ। दोपहर के समय में मैंने सुबह से दूध को गर्म कर लिया था और नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया था, तब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मोटी मलाई आ गई है। तो यहाँ पर ये जो मलाई है, मैंने एक चाकू ले लिया है, चाकू से हम मलाई को निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें गोल गोल आसपास घुमाना है। ये देखिए, मैंने आसपास कर दिया है और यहाँ पे मलाई को मैं एक बर्तन में स्टोर करती हूँ। तो ये देखिए, इन्हें इस तरीके से निकालूंगी। तो ये देखिए, मलाई जो है ये हमने इस बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखिए, हमने मलाई को अच्छे से निकाल लिया है और दूध अभी हमारा ठंडा है क्योंकि हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाला है। और इस जो दूध को है हम गैस पे चढ़ा देते हैं और गुनगुना गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये जो दूध है इसे गर्म कर लिया। गर्म हमें इस तरीके से करना है कि हल्का गुनगुना हो। सीज़न कोई भी रहे, हम गर्मी में भी अगर हल्का गुनगुना करके दही को जमाएंगे तो बहुत ही अच्छे से जमकर तैयार होगा। यहाँ पर इस तरीके से हम इसे फेंट लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें थोड़े अच्छे से झाग आ जाए और जो दही है एकदम सही परफेक्ट जम जाए। ये देखिए, थोड़ा हम इसे फेंटेंगे पहले। अगर ज़्यादा भी थोड़ा सा आपका गर्म हो जाए तो आप इस तरीके से ठंडा भी कर सकते हैं। ये हमारी जो फिंगर हम डालते हैं तो ये सह सकती है, इतना ही ये है। मतलब गुनगुना में आप समझ ही जाइए कि कितना गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा ही गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसे जमाने के लिए मैंने इसे छाछ का यूज़ कर रही हूँ, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक छोटी चम्मच से छाछ को डालना है। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध में 2 चम्मच छाछ डाल रही हूँ और इसे बहुत ही अच्छा परफेक्ट दही जमकर तैयार होगा। इसे 2 मिनट तक हम फेंटेंगे। तो देखिए, मैंने इसे 2 मिनट तक फेंट लिया है और इसमें ऊपर झाग झाग से आने लगे हैं और ये बहुत ही अच्छा है, जमने के लिए एकदम तैयार हो गया है। और इसे अब हम ढक के रख देंगे, इसे फ्रिज में नहीं रखना है, हम बाहर ही रखेंगे इस तरीके से ढक के, ताकि ये बहुत ही अच्छे से दही जमकर तैयार हो जाए। तो ये मैं दोपहर में आपको बता रही हूँ, अब मैं इसका सुबह मॉर्निंग में आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। तो देखिए, ये हमारा दही मैं आपको दिखा देती हूँ। दही जो है बहुत ही अच्छे से जम गया है और ये देखिए, इस तरीके से हमारा दही जो है तैयार हो गया है। और यहाँ पे हमें इस दही को क्या करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है और ये एक बर्तन धामा ले लिया है और एक वाइट कलर का कपड़ा लेना है हमें, इस तरीके का पतला वाला कॉटन का। तो ये हमें इस छन्नी के ऊपर बिछा लेना है इस तरीके से, और ये देखिए इसके ऊपर हमें रख देना है और ये जो दही है हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। दही हमने पूरा डाल दिया है और इसे हम इसी तरीके से रहने देंगे ताकि ये जो पानी है ये इसका चला जाए। ये देखिए, इसे हम इस तरीके से टांग भी सकते हैं कहीं पे बांध के, इसकी पोटली बनाकर। ये देखिए, मैं आपको पोटली बनाना भी बता देती हूँ। इस तरीके से इसको बांध देना है और ऐसे, ये देखिए ऐसे हम छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे में ये जो पानी है ये पूरा चला जाएगा, तो इसे 2-3 घंटे तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए, ये मैंने 1 घंटे तक बाहर रखा था और उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है, ये टाइट हो जाता है। तो मैंने इसे पानी की जो छन्नी थी उसके ऊपर से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था, 1 घंटे के बाद ही बाहर रख दिया था। और इसे हम खोल लेते हैं,
इस तरीके का थिक हो गया है, बहुत ही टाइट हो गया है। फ्रिज में रखने से क्या फायदा होता है कि ये टाइट हो जाता है, आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का हुआ है। ये देखिए एकदम पनीर की तरह हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो आप भी इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। और ये हम एक बड़ी चम्मच का यूज़ करेंगे। बड़ी चम्मच का यूज़ करने से ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसे हम कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है कुछ केसर के धागे, और केसर के जो धागे हैं इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। जैसे नॉर्मली कोई कलर फूड कलर डालते हैं तो उसके अपेक्षा आप केसर अगर आपके घर में रखिए तो आप केसर का यूज़ करें। मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग दूध को गर्म कर लिया है। गर्म दूध को हम केसर के अंदर डाल देंगे तो ये जो केसर है बहुत ही जल्दी से कलर छोड़ देती है। और इसे हम भीगने देंगे थोड़ी देर तक, ये काफ़ी कलर छोड़ देगी। साथ ही मैं ये जो हमारा दही है जो ड्राई हो चुका है इसे हम इस तरीके से मल लेंगे। मलने से पहले हमने यहाँ पे जो इलायची का पाउडर बनाया ना इसे फ्लेवर देने के लिए, ये देखिए मैंने 4 इलायची को बारीक कूट लिया है। और इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आपको कोई आर्टिफिशियल खुशबू या कोई केमिकल ना डालें, आप बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है हमारी। तो मैंने ये इलायची का पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे हम इसे स्वीट बनाने के लिए चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमें कितनी ऐड करनी है आप देख सकते हैं, ये 200 ग्राम के लगभग चीनी है। और चीनी ये जो है ये बारीक है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। और चीनी की जो मात्रा है इसका जो मेजरमेंट है आप देख सकते हैं, ये जो हमने लिया है ना ये दही, ये भी सेम क्वांटिटी में है, वही साइज़ की जो कटोरी है वही भर के आएगी, उतनी ही क्वांटिटी में हमारा जो दही है ये बचकर तैयार हुआ है, तो वैसे ही रहना है। और अगर आप इसे बाहर छोड़ देंगे ना दही को, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, तो आप फ्रिज में ही रखें ताकि ये खट्टा ना हो, और खट्टा ना होगा तो इसमें चीनी कम डलेगी। तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये आपको बेनिफिट है। तो ये जो चीनी है इसमें हम डाल देंगे, थोड़ी सी मैं बचाऊंगी 2 चम्मच के लगभग, और मैंने इसमें 1 कटोरी समझ लो ऐड किया है चीनी। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे आप चाहे तो छन्नी जो होती है ना वो एकदम बारीक वाली जिससे हम आटा छानते हैं उसमें भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बड़ी में भी, क्योंकि तो बहुत ही अच्छे से ये हमने बड़ी चम्मच ली है और बड़ा सा बर्तन ले लिया है, तो इसे हम बहुत ही ईजिली फेंट लेंगे। तो इस तरीके से हमें फेंटते जाना है जब तक ये क्रीमी ना दिखे। 10 मिनट लगेंगे इसे फेंटने में। तो देखिए ये क्रीमी बन गया है और अब ये इजिली ऐसे घूम रहा है, आप देख सकते हैं जैसे ये क्रीमी होता है ना तो इस तरीके से पता चल जाता है कि ये इजिली ऐसे से घुमा रहे हैं, तो ये आसपास से घूम रहा है। तो यहाँ पे इस स्टेज पे ये मैंने 10 मिनट तक हिलाया है इसे, घोट लिया है, फेंट लिया है, ये देखिए, और आप पास से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो भिगा के रखी थी ना केसर, इसको हम डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा और ये सारे जो श्रीखंड है इसमें मिक्स हो जाएगी। तो देखिए हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है, कलर काफ़ी अच्छा आया है। हमने इसे एकदम येलो नहीं बनाया है, ये थोड़ा सा क्रीमी टाइप का दिख रहा है, एकदम वाइट भी नहीं है और एकदम येलो भी नहीं है, कलर काफ़ी अच्छा आया है। और इसी तरीके से आप बनाएं, मैंने इसमें खड़ी ही शक्कर डाली है और खड़ी शक्कर को भी बहुत ज़्यादा फेंटने में टाइम नहीं लगा। सबसे आपको अच्छा प्रोसेस बता देती हूँ कि कभी भी आप श्रीखंड बनाते हैं ना तो बड़ा बर्तन ले लें और बड़ी चम्मच ले लें, फटाफट इस तरीके से फेंटेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और आप जिसमें भी करना चाहें, तो मैं इसी में कर रही हूँ, ये देखिए।
तो ये देखिए हमने ग्रीन पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर दी है। आप इसमें कटी हुई बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, आपके जो भी पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। 1 लीटर दूध में आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में श्रीखंड बनकर तैयार हुआ, बहुत ही टेस्टी बना है। और मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आप दूध से श्रीखंड किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज़ के साथ। हैप्पी कुकिंग।